हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते चार गिरफ्तार, एक फरार। बालोतरा थाना पुलिस ने रविवार को एक रहवासीय घर पर दबिश देकर वेस्ट इंडीज बनाम भारत के क्रिकेट मैच पर सट्टे लगाते चार जनों को गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एलईडी टीवी, मोबाइल कवर, हिसाब किताब लिखी डायरिया समेत अन्य सामान जब्त किया। थानाधिकारी पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि रविवार दोपहर बाद मुखबिर की सूचना मिली थी कि पुंगड़ा रोड पर गेमन शाह दरगाह इलाके में रफीर खान के मकान में वेस्ट इंडीज बनाम भारत के बीच चल रहे मैच पर सट्टे लगाए जा रहे हैं, जिस पर उप निरीक्षक बनवरा राम चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रफीक खान के आवासीय मकान पर दबिश दी। मकान की ऊपरी मंजिल के एक कमरे में रफीक खान व मोहम्मद अजीरुद्दीन निवासी नीलम सिनेमा के पास सद्दाम हुसैन निवासी मगजी की धानी, जाफर खान निवासी गोरेगा चौक मैच देख रहे थे। इनके पास मोबाइल, सट्टे की हिसाब किताब लिखी डायरी व अन्य सामान पड़ा था। डायरी में सट्टे के संबंधित 8,51,000 रुपए का हिसाब लिखा था। वही एक आरोपी समीर खान निवासी मुंगड़ा रोड मौके से भागने में फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। बालोतरा से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।